संतों भक्ति सतोगुर आनी, नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग एक निकरी, चौदित पानी पानी, तही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले एक ही बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुषवय खाए, ताते रहे अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतों भक्ति सतोगुर आनी, ऐ संतों अपने मन में हृदय में सद्गुरु के प्रति भक्ति भावना लाओ। सद्गुरु कबीर मानो एक प्रकार से आदेश देते हैं। किनको आदेश देते हैं? संतों को, कि वे अपने हृदय में सद्गुरु के लिए भक्ति भावना रखे, भक्ति भावना बनाए रखे, प्रकट करें। तो क्या गृहस्थों को भक्ति भावना का आवश्यकता नहीं है? सद्गुरु कबीर की कथन की शैली अलग है। सद्गुरु कबीर अपनी वाणियों में कहीं भाई कहकर, कहीं पंडित, अवधू, काजी, मुल्ला, दरवेश, संत, कहीं अभागा, कहीं सुभागा, कहीं पागल, कहीं रमैया राम, कहीं रामुरा, ये सब कहकर मनुष्यों को ही संबोधित करते हैं। यहाँ संत शब्द भी मनुष्य मात्र के लिए है। निश्चित है कि अमुक प्रकार के कपड़ा पहनने वालों को संत कहा जाता है। तो एक वेश है पहचान के लिए। वैसे मनुष्य मात्र संत है। क्यों? और मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव मात्र संत है। इसलिए कि मूलतः सभी जीव शांत स्वरूप हैं। जीव मात्र की मौलिकता में कोई फर्क नहीं है। मौलिक रूप में सभी जीव ज्ञान रूप हैं और शांत स्वरूप हैं। जो विभिन्नता दिखाई पड़ती है, फर्क भेद दिखाई पड़ता है, ये देहोपाधि के कारण। शरीर भाव हटा दो तो सब एक समान है, शान। शरीर संबंध से कोई शांत है, कोई अशांत है। अशांत व्यक्ति शांत व्यक्ति को जब देखता है तब उसे भी लगता है कि मेरे समान ये मनुष्य है, मैं भी हो सकता हूँ। यही तो उपासना का फल होता है। शांत हर
किसी के मन में अभिलाषा है शांति की। भूल गए अशांत जीव का स्वभाव या स्वरूप नहीं है, शांत स्वभाव है, शांत स्वरूप है। ये कहा गया कि सभी जीव मूलतः ज्ञान रूप है, किंतु शरीर संबंध से किसी का ज्ञान उद्घाटित है, किसी का ज्ञान अनुद्घाटित है। जिसका ज्ञान उद्घाटित हो चुका है पूरा, वो गुरु है। और जिसका ज्ञान अनुद्घाटित है, जो ज्ञान को उद्घाटित करने में लगा हुआ है, वो शिष्य है। एक चेता एक चेतवन हारा। जो जाग गया है, शांत हो चुका है, वो गुरु है। एक चेतने वाला एक चेताने वाला। जो चेतने वाला है शिष्य, चेताने वाला है गुरु। अब चेतने के लिए, जागने के लिए एक आदर्श चाहिए, आदर्श प्रति समर्पण भाव चाहिए, सेवा चाहिए, विनम्रता चाहिए। तो जो एक आदर्श है उसके प्रति समर्पण, विनम्रता और सेवा, यही तो भक्ति है। इस दिन कहा था श्वेतासुतर उपनिषद का ये मंत्र, यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिते हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिस व्यक्ति के मन में जैसे देव के लिए भक्ति होती है, वैसे ही जब गुरु के लिए भक्ति होती है, तब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। आदर्श, अशांति, दुख, पीड़ा किसी के स्वभाव में नहीं है। मानवता प्राणी जाग नहीं सकते, जागने की क्षमता उनमें नहीं है, इसलिए उन्हें भक्ति की आवश्यकता नहीं है। जागने की क्षमता मनुष्य में है, इसलिए जो जगना चाहता है उसके लिए भक्ति आवश्यक है। लेकिन एक आदर्श, बिना आदर्श के पूरा बल नहीं मिलता है। जो हम चाहते हैं, यदि विद्यार्थी के सामने अध्यापक ना हो और अध्यापक ज्ञानी ना हो, ठीक से पढ़ता ना हो, तो विद्यार्थी का समर्पण कैसे होगा? विद्यार्थी के लिए अध्यापक आदर्श है। ऐसे ही जो शांति चाहता है उसके लिए जो शांत पुरुष है वो आदर्श है। चाहे मौलिक रूप में देखें, चाहे शरीर रूप में देखें, दोनों तो एक बराबर है। ज्ञानी का शरीर, अज्ञानी का शरीर, गुरु का शरीर, शिष्य का शरीर, जो सुखी है उसका शरीर, जो दुखी है उसका शरीर, जो शांत है उसका शरीर, जो अशांत है उसका शरीर, वहां तो अंतर नहीं है। दोनों एक समान है। इसलिए से रामराज साहब ने कहा है, सभी जीव मनुष्य मात्र राम रूप में परम पुनीता। राम रूप है, राम रूप मतलब भगवत रूप, यहाँ तो भगवत रूप कह दिया है। मनुष्य ही साक्षात परमात्मा है। इसको छोड़कर परमात्मा कहाँ मिलेगा? मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। किसी सूफी संत ने कहा है, मखलूक प्राणी
मजहरे प्रत्यक्ष खालिक परमात्मा। इस दुनिया में प्राणी ही प्रत्यक्ष परमात्मा है, खुदा है, किंतु इंसान अशरफ उल मखलूकात है। इंसान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सर्वोपरि परमात्मा मनुष्य। मनुष्य शरीर में परमात्मत्व का पूरा उद्घाटन हो सकता है। तो आप अपने को दीन दुर्बल न समझें, कभी भी चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो, चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे साधु हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी मनुष्य को अपने मन में हीन भावना लाने की आवश्यकता नहीं है। अब हीन नहीं है, आप तुच्छ नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप महान हैं। मानो तू है सबसे महान। और महाभारत में तो वेद व्यास जी ने खुल करके कह दिया है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषाश्रयश्रम हि किंचित। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, इस दुनिया में मनुष्य से बढ़कर के और कोई नहीं है। आप सबसे महान, छोटे क्यों हैं? महान है, महानता को भूल गए हैं। कारण क्या है? एक तो अज्ञान और दूसरे तरफ प्रलोभन, संसार से सुख पाने की लालसा, आसक्त। हंसा तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, चाल जितनी हल्की होगी हाल उतना हल्का होगा। अब हल्की चाल मतलब अनेक कुभावनाओं में भंग जाना, जो जो दिखाई पड़े उसको देख देख करके ललचाते रहना, ललचाते रहना। ललचाना बंद कर दें, पूरा बंद हुआ ललचाना, आप महान है, आप परमात्मा है, भगवान है। पाना भगवान पाना नहीं है, नित्य प्राप्त ही है। इच्छा अहंकार को छुड़ा देना है। तो आप राम रूप हैं और परम पुनीत, परम पवित्र हैं आप। अपवित्र नहीं, एक भी आदमी अपवित्र नहीं है मूल रूप में। अब शरीर गंदा है, कपड़े गंदे हैं, तो कहा जाता भाई थोड़ा सा साफ कर लो। अमुक जाति अछूत है, अमुक जाति पवित्र है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके कर्म गंदे हैं, जिसके खान पान गंदे, जिसके बाद व्यवहार गंदे हैं, उसे आप कुछ देर के लिए छोटा मान सकते हो। जब तक अपने खान पान और सफाई पर वो ध्यान न दे, तब तक गंदे खान पान, गंदे कर्म, गंदा व्यवहार, गंदा आचरण छोड़ दे, वो महान था फिर महान हो गया। महानता लानी नहीं है, पवित्रता लानी नहीं है। अपवित्रता जिनसे होती है उन कारणों को छोड़ देना है। इस आधी पंक्ति में साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि राम रूप में परम पुनीत। आप राम रूप हैं, परमात्मा रूप हैं, और परमात्मा का लक्षण होता है पवित्र। तो आप परम पुनीता, परम पवित्र हैं आप, क्यों दुखी हो रहे हैं? क्यों हीन भावना रख रहे हो मन में? यदि आप दुखी हैं तो उनकी उपासना करें जो सुखी हैं। आखिर ये हम दुखी हैं, हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है वो पूर्ण सुखी है, वो भी तो हमारे जैसा मनुष्य है ना, तो सुखी क्यों हुआ? और हम दुखी क्यों हैं?
उनके जैसा सुखी होने के लिए उनकी उपासना है, वह भक्ति है, अलग अलग नहीं है। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है, द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समानम वृक्षे पर सस्व जाते तयोर अन्य पिपलन स्वादवत्य अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा, सुपर्णा सुंदर पंख वाले, सुपर्णा मतलब पक्षी, सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं, सयुजा साथ साथ रहते हैं, सखाया मित्र हैं, समानम वृक्षे एक समान वृक्ष में परस्त जाते चिपके हुए हैं। सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं जो एक समान वृक्ष में बैठे हैं, साथ साथ रहते हैं और साथ और मित्र हैं। तयोरन्य पिपलन स्वादवत्ति, उनमें से एक पक्षी वृक्ष के आता है, इसलिए क्या है, अनिश है, अनिश असमर्थ। दुखी, अशांत, तौरन पिपन स्वादवत्ति अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। और जो अन्य पक्षी है, दूसरा पक्षी है, वो अभिचाकशीति है, केवल दृष्टा है, देखता है, पेड़ में फल लगे हैं देखता है, खाता नहीं है, इसलिए वह समर्थ है, वह ईश है। ईश ईश्वर का अर्थ होता है समर्थ, मालिक। अनिश असमर्थ, दुर्बल। दो पक्षी हैं, एक समान वृक्ष में बैठे हैं, साथ साथ रहते हैं, दोनों मित्र हैं, उनमें से एक पेड़ के फल को खाता है, इसलिए वह अनिश दुर्बल दुखी है, और दूसरा उस फल को नहीं खाता, केवल देखता है, इसलिए वो सुखी है। मुंडक उपनिषद में इस मंत्र का एक पूरक मंत्र बनाया गया है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नयो अनीशया सोचति मोह्यमानः, दुष्टम यदा पश्यतन्न मिश्मस् मेहमान वीत वीत शोकः। जो पक्षी दुखी है वो देखता है कि समाने वृक्ष पुरुषों ने एक समान एक पुरुष तो निमग्न है, अनिश है, मुह्यमान मोहित है, इसलिए शोकित करता है, लेकिन वो देखता है कि जो दूसरा पक्षी है वो शोकित नहीं है, दुखी नहीं है, पीड़ित नहीं है। कारण क्या है? जब ये सुखी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ऐसा देख करके वह भी फल खाना छोड़ देता है और उसके समान सुखी वह भी हो जाता है। ये पक्षी को उदाहरण दिया है। पक्षी है रागी और विरागी मनुष्य, दो प्रकार के मनुष्य हैं दुनिया में, एक प्रकार मनुष्य है रागी, एक प्रकार मनुष्य है विरागी। दोनों का शरीर एक समान है, रागी और विरागी शरीर में अंतर तो है नहीं, वही हाथ पैर आँख कान नाक जीवा सब कुछ तो वही है। सखाया साथ साथ है, इसी दुनिया में रहते हैं। ये शरीर मानो एक वृक्ष है, ज्ञानी और अज्ञानी शरीर तो एक समान है ना, अलग तो है नहीं अंतर में। इसी दुनिया में रागी रहते हैं, इसी दुनिया में विरागी रहते हैं, और दोनों मित्र हैं। लेकिन रागी क्या करता है? फल खाता है, इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप गंध इनको ग्रहण करता है। फल खाना मतलब दुनिया के भोगों में डूब जाना, इच्छा कामनाओं पीछे करता रहना, भोगों में सुख मान करके उलझ जाना। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच फल हैं दुनिया के।
इनमें जो जितना सुख मान करके इनको ग्रहण करेगा वो उतना उसमें मोहित होता चला जाएगा और मोहित होगा डूबता जाएगा तो अशांत रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, पीड़ित रहेगा और थोड़े थोड़े में शोकित होता रहेगा, हाय मेरा ये छूट गया, हाय मुझे ये नहीं मिला। जितना ही दुनिया के पीछे दौड़ोगे उतना ये लगेगा कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, शिकायत और फिर भय, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, कोई विरोधी ना हो जाए, कोई हमें धोखा नहीं दे जाए, ये भय। जितना मोहित होंगे, जितना डूबेंगे, जितना दुनिया से कुछ चाहेंगे, शोक और भय से बच नहीं सकते हैं। तो जो जो इन विषयों में डूबेगा, मोहमाना मोहित हो जाएगा, वह शोकित पीड़ित रहेगा। किंतु जो अविशाक्षित केवल दृष्टा रहता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए उपयोग करता है, सुख मान करके ग्रहण नहीं करता, वो ईश हो जाता है, समर्थ बलवान। तब उसमें पे होता क्या है, जो रागी मनुष्य है वो देखता है कि आखिर ये विरागी है, ये भी मेरे समान है, अंतर तो नहीं दोनों में, कारण क्या है कि निश्चिंत है, निर्भय है, इसे कोई न शोक है न चिंता है और ये सुखी है, शांत है, कारण क्या है। उसके पास जाता है और पूछता है कि जैसे आप सुखी हैं वैसे सुखी मैं कैसे हो सकता हूं, मैं तो थोड़े थोड़े दुखी होता रहता हूं और आप देखता हूं कि आप कभी दुखी होते ही नहीं हैं, कारण क्या है। मैं असमर्थ दिन बना हुआ हूं, लाचार हूं, आप और आप समर्थ हैं, स्वतंत्र हैं, कारण क्या है कि मैं वैसा हो सकता हूं। विरागी पुरुष ज्ञानी का, हाँ तुम भी ऐसे हो सकते हो, तो कैसे हो जाऊं, फिर रास्ता बताता कैसे हो जाऊं। जब शुरू होता है तो यहां से भक्ति शुरू हो जाती है फिर, क्योंकि जो बताएगा ज्ञानी पुरुष उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। अब आज्ञा मानना भक्ति है, उपासना है। उपासना का अर्थ ही होता है निकट बैठना, उपासना का एक अर्थ होता है श्रद्धा भक्ति, लेकिन उपासना का अर्थ उपासना, उप निकट, आसना बैठना, निकट बैठना उपासना है। आग के निकट बैठो अपने आप गर्मी मिलेगी, चाहो तो न चाहो तो। पानी के पास बैठो अपने आप शीतलता मिलेगी, चोर के पास बैठो बराबर धीरे धीरे चोर की बात सुनते सुनते चोरी करना सीख जाओगे, और चोरी करना नहीं भी सीखोगे यदि अब रावत चोर के साथ बैठते, चोर से मित्रता करते हो तो लोग तो कहेंगे भैया ये चोर के पास बैठता है, ये भी चोरी कर रहा है, और जो पुलिस आएगी ना तो आपको भी पकड़ेगा, क्योंकि आदमी चोर के पास बैठता है। तो जिसके जैसी उपासना वैसा फल, तो उपासना निकट, गुरु के निकट बैठना उपासना है। तो शरीर से नहीं, गुरु का जो ज्ञान है उस ज्ञान के निकट अपने मन को बैठाना, उस ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करना, ये उपासना है और यही भक्ति है। उत्थान इसी से होगा, कल्याण इसी से होगा, दुखों से छुटकारा इसी से होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं संतों भक्ति सतोगुर आने। ऐ संतों, ऐ लोगों, सद्गुरु की भक्ति लाओ। क्यों? जैसा सद्गुरु सुखी है वैसा सद्गुरु के समान सुखी होने के लिए, गुरु बनने के लिए सद्गुरु की भक्ति क्यों की जाती है?
गुरु बनने के लिए। तो गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि घर घर घूमकर कंठीमाला लेकर पहनाते चले जाओ सबको। गुरु बनना मतलब महान बनना, श्रेष्ठ बनना, समर्थ बनना। क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है भारी, वजनदार। किससे वजनदार? आचरण से, कर्म से। तो गुरु की भक्ति का अर्थ है स्वयं गुरु बनना, मतलब महान बनना, श्रेष्ठ बनना। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक मन में आदर्श के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति भाव न हो। कल्याण मार्ग में, धर्म के मार्ग में भक्ति शुरुआत है और भक्ति अंत है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन भक्ति करें फिर उसके बाद भक्ति की आवश्यकता नहीं है। शुरू से आखिर तक भक्ति की आवश्यकता होती है। विनम्रता, समर्पण, सेवा, आज्ञा पालन की आवश्यकता होती है। और भक्ति किसकी भक्ति? गुरु की भक्ति। चित्र है या मूर्ति है? चित्र या मूर्ति की भक्ति क्या है? कल कहा था ना मगन हो नाचों के लिए, बतवा गई थी नाचने के लिए। तो मैं कह रहा था चित्र या मूर्ति की भक्ति क्या है? चित्र या मूर्ति को साफ रखना, ऐसी जगह पर रखना जहां अनायास घर वालों की और आगंतुक की दृष्टि उस पर पड़े। क्यों? जब हम किसी महापुरुष के चित्र या मूर्ति को देखते हैं तो उस महापुरुष की याद आती है, उनकी त्याग तप, उनके उज्जवल चरित्र, उज्जवल आचरण, उत्तम गुणों की याद आती है। इससे मन में श्रद्धा होती है, उत्कंठा होती है कुछ वैसे बनने के लिए। इसलिए चित्र या मूर्ति रखना गलत नहीं है। उन्हें साफ सुथरा रखना, अच्छी जगह पर रखना, बस यही उनकी भक्ति है। अब इसके आगे आप चित्र मूर्ति की आरती करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें आप अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, तो आपकी वीरता है। क्योंकि वो खा नहीं सकते, प्रणाम करो तो आशीर्वाद नहीं दे सकते, उनमें जानने समझने की क्षमता ही नहीं है। क्योंकि निर्जीव, चाहे किस कहे, किसी का भी चित्र या मूर्ति रख लो, वो निर्जीव है, निर्जीव रहेगा, उसमें प्राण आ नहीं सकते, प्राण डाला ही नहीं जा सकता। चाहे कितना वेद मंत्र पढ़ लो, चित्र या मूर्ति, चित्र कागज है, अमूर्ति या तो पत्थर है, सोना है, चांदी है, मिट्टी है, तांबा है, चाहे किसी की, किसी मिट्टी या किसी धातु की मूर्ति बना लो और कैसे बढ़िया से बढ़िया कागज में चित्र बना लो, उसमें प्राण डाला ही नहीं जा सकता। ये नहीं साल, दो साल, दस साल तक आप वेद मंत्र पढ़ते रह जाओ, असली मूर्ति
सामने बैठी है, जीवंत मूर्ति, इनको प्रणाम करो, तत्काल आशीर्वाद मिलेगा। इन्हें भोग लगाओ, खा लेंगे, तृप्त हो जाएंगे और आशीर्वाद भी दे देंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं तुम्हें भक्ति की आवश्यकता है। क्यों? अपने मौलिक स्वरूप में वापस लौटने के लिए। और लौटना का मतलब क्या है? ज्ञान पाना, परिचय पाना। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वरूप से दूर चले गए हैं तो वापस लौटने के लिए चलना पड़ेगा। बस भूल हो जाना ही मानो भटक जाना है। भूल हो जाना मतलब दूर हो जाना है। कोई चीज आपके घर में है, आपने उस चीज को किसी एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। कुछ महीने या कुछ दिन बीत गए, उसकी आवश्यकता पड़ी, अब ख्याल नहीं हो रहा है कि कहाँ रखा है आपने। तो ये ख्याल न होना खो जाना है। खोई नहीं है वो, जहाँ आपने उसे रखा था वो वहीं रखी हुई है, खोई नहीं है। किंतु आपको ख्याल नहीं हो रहा है कि कहाँ रखी गई है, इसलिए मानो वो खो गई है और आप खोजते हो यहाँ वहाँ। इतने में याद आया, अरे अमुक जगह रखी। याद आते हो चीज मिल गई, खोई कहाँ थी? विस्मरण, विस्मरण ही खोना है, स्मरण पा जाना है। इसलिए हमारा जो आत्मा, हमारा जो परमात्मा है, हमारा जो भगवान है, या हमारा मोक्ष, हमारी शान, ये सब कहीं खोए नहीं है, विस्मृत है। बस गुरु बता देते हैं कि बेटा जो मैं हूं वो तू, तुम्हें पाना नहीं है। गुरु उपदेश से भ्रांति दूर हुई, विस्मरण से स्मरण में आए, परमात्मा तो मिला मिलाया है, क्योंकि अपना स्वरूप है। तो भक्ति की आवश्यकता क्यों है? अपने मौलिक स्वरूप में वापस लौटने के लिए, मतलब उसके ज्ञान के लिए। और ये किससे होगा? गुरु की भक्ति से ही होगा, किसी देवी देवता की भक्ति से नहीं होने वाला है। चित्रमूर्ति की भक्ति से आपको ज्ञान नहीं होगा, आदर्श नहीं मिलेगा। हाँ, आप आदर्श लेना चाहते हो ना, कोई चित्र है या कोई मूर्ति है, उससे आप प्रेरणा लेना चाहते हो, तो क्या प्रेरणा मिलेगी आपको? उस चित्र को 50 गाली दो, शाम कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अब बड़ी प्रशंसा करो, चित्र कोई खुश नहीं होगा। जरा सोचो, जिस भगवान का चित्र मैंने लगाया है, अपने गुरु का चित्र मैं लगाया हूँ, इसे गाली देने पर ये नाखुश नहीं होते? मुझे भी ऐसे नाखुश नहीं होना है। आखिर मैं गुरु की भक्ति करता हूँ और ये जो चित्र है गुरु का, वो नाखुश नहीं है, तो मुझे भी ऐसे बनना है। हर हाल में, ठंडी हो गर्मी हो, एक रस रहता है, बस ऐसे एक रस रहो ना भाई। ये भक्ति हो गई उसके, उसे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि संतों भक्ति सतो गुरु आनी। ऐ संतों, सद्गुरु की भक्ति लाओ। क्यों? क्योंकि सद्गुरु बनने के लिए, सद्गुरु मतलब
महान बनने के लिए, शांत संतुष्ट आत्मतृप्त होने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए। सद्गुरु का अर्थ ही होता है जो दुखों से मुक्त ना हो। मैंने दिन कहा था एक गुरु होना व्यवसाय है, धंधा। धंधा इस अर्थ में कि कोई मठ है, कोई आश्रम है, किसी को मुखिया बना दिया गया कि आप मुखिया हैं, लोग आते हैं धर्म के मार्ग में जुड़ने के लिए, तो उन्हें आपको एक दीक्षा देना है, और दीक्षा देने वाला गुरु वही तो धंधा है। तो वो धंधा नहीं, पैसा कमाने वाला कोई भी है, कोई संत है, किसी को दीक्षा दे रहा है तो धंधा है। लेकिन वो गुरु है या नहीं ये बात अलग है, ये बाहर का गुरु होना है। भीतर का गुरु होना कब? जब मन निर्द्वंद हो जाए। श्री रामदास साहब ने कहा है पंथ ग्रंथि में, गुरु बोधित निज थीर पद डोले कतहु नाहि, आप सुखी दूसर सुखी सदगुरु कहिए ताहि। जिसे गुरु के द्वारा निर्भ्रांत आत्मबोध हो गया है, गुरु बोधित, जिसे गुरु द्वारा बोध मिला हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है, निज थीर पद अपने आप में जो स्थिर हो गया, जिसका मन आत्म भाव में स्थिर हो चुका है, डोले का धुना है, जो कहीं डोलता नहीं है, मतलब निंदा पाकर के दुखी नहीं होता, प्रसन्नता पाकर सुखी नहीं होता, घाटा हो गया तो रोता नहीं है, मुनाफा हो गया तो हंसता नहीं है। डोलने का मतलब ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, संयम से, साधना से विचलित ना होना। यहां डोलने का अर्थ यह नहीं है कि आना जाना छोड़ देना, अपने पद से, अपने स्वरूप भाव से विचलित ना होना, एक रस रहना, अडोल। आप सुखी दूसर सुखी, हर हाल में सुखी रहना और दूसरों को सुख का मार्ग बताना। जिनके जीवन का व्यवहार इस प्रकार है वो गुरु है, वही सदगुरु है। सारी बात इसमें कही, पहली बात, जिसे गुरु द्वारा बोध मिला है, सच्चा बोध, सच्चा ज्ञान, और जिसका मन संसार में नहीं रमता, संसार के प्राणी पदार्थों में जिसका चित्त बहता नहीं है, निज थीर पद अपने आत्मभाव में स्थित है मन, स्वरूप भाव में जिसका मन डूबा रहता है, और सारे द्वंद्वों से रहित, जो दुखी नहीं होता, और जिसे जो दूसरों को दुखों से छूटने का रास्ता बताता है वो गुरु है। ऐसे बनने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, आदर्श गुरु होते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भक्ति सतोगुरानी, अपने मन में, अपने हृदय में सद्गुरु के लिए ही भक्ति लाओ। सद्गुरु की भक्ति के बिना न ज्ञान होगा, न सही रास्ता मिलेगा। इसलिए अग्नि पंक्ति में सद्गुरु कबीर कहते हैं, नारी एक पुरुष द्विजाया बुझो पंडित ज्ञानी। एक स्त्री ने दो पुरुषों को जन्म दिया है, ए ज्ञानियों पंडितों, इस बात को समझो कि वो कौन स्त्री है जिसने दो पुरुषों को जन्म दिया, और वे दो पुरुष कौन है। साहब यहां बुझने को कहते हैं, समझने को, और बुझने के लिए थोड़े गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता होती है। यहां बाहरी स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहां लक्षणा में कथन है।
यहाँ नारी है भक्ति और पुरुष है ज्ञान और वैराग्य। भागवत पुराण की महिमा में भी ये बात आई है, नारद घूमते हुए वृंदावन के क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां नारद देखते हैं एक सुंदरी युवती बैठी हुई है, उसके सामने दो अत्यंत जर्जर और वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, कमजोर। नारद उस युवती के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये जो दर्दा वृद्ध दुर्बल पुरुष लेटे हुए हैं दो, ये कौन है? तो युवती कहती है मैं भक्ति हूं और ये दोनों जर्जर जो पुरुष वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं कर्नाटक में मेरा द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ आजकल का तमिलनाडु, पुराकाल से उसको द्रविड़ देश कहा जाता था। मैं द्रविड़ में पैदा हुई, द्रविड़ देश में तमिलनाडु में बड़े बड़े भक्त हुए हैं और वहाँ से भक्ति उड़ करके इधर उत्तर भारत में आई, इसलिए कहा जाता है कि इसे भक्ति हुई। षटकोपाचार्य अंडाल गोदा और अनेक ऐसे हुए हैं, षटकोपाचार्य में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं षटकोपाचार्य, उसके अलावा और भी कई हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में चार वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये चार वेद प्रसिद्ध हैं, वैसे भक्तिभानक वहाँ तीन चार और ग्रंथ हैं, तिरुवायमोली तिरुवासिरम परितुरुवृंदादि और तिरुमलय, ये चार पुस्तक है जो भक्ति के लिए वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो भक्ति कहती है कि मैं मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, कर्नाटक में मैं बढ़ी फली फूली, महाराष्ट्र में आ गई, गुजरात में गई तो पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया और वृंदावन आकर के मैं यहाँ युवती बन गई और मेरे पुत्र तो ऐसे दुर्बल दुर्बल हो गए, एक लक्षणा कथन है। यहाँ साहब कहते हैं कि नारी एक पुरुष दो जाया बूझो पंडित ज्ञानी, एक नारी से दो पुरुष पैदा हुए, नारी है भक्ति पुरुष है ज्ञान और वैराग्य। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होगा और बिना भक्ति के वैराग्य नहीं होगा, और यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान अहंकार का कारण बनेगा और वैराग्य दिखावा का कारण बनेगा। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य पैदा होते हैं और भक्ति ही ज्ञान और वैराग को संभाल करके रखती है, संतुलन बना करके रखती है भक्ति। अब प्रश्न यह होता है कि किसकी भक्ति से ज्ञान वैराग होगा? मूर्ति की भक्ति से तो नहीं होने वाले हैं, चित्र की भक्ति से नहीं होगा, आकाश में हम पुकारते रहें किसी को तो ज्ञान तो नहीं होगा। जो ज्ञानी होगा, जो वैराग्यवान होगा, ज्ञानी के संगत से ज्ञान मिलेगा और वैराग्यवान के संगत से वैराग्य की प्रेरणा मिलेगी। तो जो ज्ञानी और वैराग्यवान होगा वो हमारे जैसे आदमी ही तो होगा ना, और जीवित तो होगा तो वही तो सद्गुरु है। जिसके जीवन में भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है, तीनों में जो पूर्ण है वो सद्गुरु है। हम किसी को भी सद्गुरु कह देते हैं श्रद्धावश, तो ये शिष्टाचार है, व्यवहार है, लेकिन असली गुरु, चाहे आप गुरु कहो चाहे सद्गुरु कहो, कौन?
जिसके जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पूर्णता है वो सद्गुरु है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य की पूर्णता है तो वहां कोई दुख ही नहीं है। किसका दुख? जिसे जानना था जान लिया, जिसे छोड़ना था छोड़ लिया, दुख का कोई कारण ही नहीं रह गया। सच्चे बोध के बिना भटकाव दूर नहीं होगा और वैराग्य के बिना दुष्कर्मों का त्याग नहीं होगा। वैराग्य की बात आती है तो ये मत समझना, बार बार कहा जाता है कि घर छोड़ करके साधु होना ही वैराग होना है। ठीक है, साधु मार्ग वैराग का मार्ग है, लेकिन वैराग्य घर में भी किया जा सकता है। जो जो गलत लगे, जिस खान पान से, जिस रहन सहन से, जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस कर्म से, जिस आचरण से, जिस चिंतन से मन चंचल होता है, अशांत होता है, जीवन में गिरावट आती है, मन दुखी होता है, उनको छोड़ दो, वैराग हो गया नहीं हो गया, छोड़ना पड़ेगा। तो वैराग का अर्थ दुखदायी कर्मों का त्याग, इतना करो फिर आगे आगे और बढ़ता चला जाएगा। सद्गुणों का ग्रहण, दुर्गुणों का त्याग, ये तो कहीं भी अगर किया जा सकता है। सुखी होना चाहते हो तो केवल दुर्गुणों का त्याग से काम नहीं बनेगा, सद्गुणों का ग्रहण भी चाहिए। और सद्गुणों का ग्रहण तो होना ही है, लेकिन साथ साथ दुर्गुणों का त्याग होते रहना चाहिए। एक उदाहरण याद आया, आप लोगों ने सुना होगा, एक गुरु के पास तीन साधक पहुंचे हैं। हम दुखी हैं, हमें दुखों से छूटने का मार्ग बताएं, ऊपर उठने का मार्ग बताएं। दुख तो छूटे ही, किंतु साथ साथ हमारी प्रसन्नता, हमारी शांति बढ़ती चली जाए, दोनों काम करना है। दुख दुख छूटे और सुख बढ़े। तो गुरु ने कुछ उपदेश दिया और तीनों शिष्यों को दो दो थैला दिया। एक थैला में अच्छाई, एक थैला में बुराई, हर दोनों थैला से थी। कहा ये दोनों थैला रखो और जाओ 6 महीना घूम करके आओ, फिर और आगे रास्ता बताऊंगा। तीनों शिष्य थैला लिए चले गए। 6 महीने बाद घूम करके आए, पहले शिष्य से पूछा, बताओ तुम्हारा दुख घटा और सुख बढ़ा कि क्या हुआ? गुरु जी सुख तो बढ़ा नहीं, बिल्कुल दुख और बढ़ता चला गया, शांति तो मिली नहीं, अशांति बढ़ती चली गई। तो तूने क्या किया? बुराई का थैला सामने रखा था और अच्छाई का थैला पीछे रख लिया था। गुरु जी ने कहा, रास्ता तुमने तो काम गलत किया। जब बुराई 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 को देखोगे, उसी को ग्रहण करते रहो, उसी सोचोगे, तो दुख तो बढ़ेगा, सुख तो मिलेगा कहाँ से? अशांति बढ़ती बढ़ेगी, शांति तो घटती चली जाएगी, तुमने गलत किया। दूसरे से पूछा, तुम बताओ तुम्हारा दुख घटा? हाँ गुरु जी दुख तो घटा, लेकिन जो शांति चाहिए, जो प्रसन्नता निश्चिंतता चाहिए, उसका अनुभव नहीं हुआ। तो तुमने क्या किया कि अच्छाई का थैला सामने रखा और बुराई का थैला पीछे रखा। अच्छाई देखता रहा तो दुख तो घट गया, किंतु जो पूरे शांति चाहिए वो शांति का अनुभव नहीं हुआ। गुरु ने कहा, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई। और तीसरे से पूछा, तुम बताओ? हाँ गुरु जी मेरा दुख तो पूरा का पूरा घट गया और जो शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, उसका मुझे अनुभव भी हो रहा है। तो तुमने क्या किया?
कि गुरु ने पूछा तो तुमने क्या किया, कहा कि मैंने अच्छाई सामने का थैला पीछे रखा, ने अच्छाई का थैला सामने रखा, अब बुराई का थैला पीछे रखा, अब बुराई के थैला में इसे छेद कर दिया ताकि बुराई गिरती चली जाए। तो दोनों काम करना है ना, है बुराई का लादे रहोगे इसमें कभी ना कभी तो गड़ेगा ना। तो बुराई छोड़ना है और अच्छाई ग्रहण करना है, जिससे बुराई छूटती जाए अच्छाई बढ़ती जाए वो तो वैराग है एक प्रकार का, ज्ञान का फल यही होगा, यही काम करना है। अच्छा दोस्त बने हैं, सद्गुण भी है, रहता ही है, पारक नीचे दुर्गुण रहे, श्री विशाल साहब ने कहा अपने पारक भी है लेकिन दुर्गुण बने हैं मन में, तो बुरी शांति का अनुभव नहीं होगा। बात मैं ये कह रहा था कि सद्गुरु कबीर कहते हैं कि संतों भक्त सतो गुर आने, ऐ संतों सद्गुरु की भक्ति लाओ अपने मन में। क्यों? सद्गुरु जैसे महान बनने के लिए। सद्गुरु बनने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं, सद्गुरु बनने का मतलब ऐसा नहीं होता कि मन पर बैठकर प्रवचन देना और लोगों को दीक्षा दे देना, ये ऐसा नहीं है, एक व्यवहार है, इसकी आवश्यकता होती है। हमें प्रवचन करना बिल्कुल ही नहीं आता, किसी को प्रवचन करना बिल्कुल ही नहीं आता, और किसी को वो दीक्षा देता ही नहीं है, फिर भी वो सद्गुरु हो सकता है। आप सुखी दूसर सुखी, भीतर से शांत संतुष्ट निर्मल स्वस्थित आत्मलीन मन, वो सद्गुरु हो गया। तो कब? जब भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों की प्रतिष्ठा जीवन में होगी, और तीनों प्रतिष्ठा तभी होगी जब एक ऐसे आदर्श, ऐसे जो व्यक्ति उनके प्रति हमारे मन में विनम्रता होगी, सेवा का भाव, आज्ञा का पालन होगा, उसके बताए निर्देश के अनुसार चलेंगे, और यही भक्ति है। इसलिए हर व्यक्ति को जो शांति चाहता है, चाहे वो गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री पुरुष हो, ऊपर उठना चाहता है, भक्ति की आवश्यकता है। चित्त की कोमलता, सरलता, विनम्रता, समर्पण भाव, बड़ों के प्रति आदर सम्मान, उनकी आज्ञा का पालन, और अच्छाई को ग्रहण करके बुराई का त्याग करते रहना, ये भक्ति है। इसमें ज्ञान और वैराग दोनों आ जाते हैं, और फिर जीवन में पूर्णता आती, कृतार्थता आती है, और हम दुखों से मुक्त होकर के कल्याण शांति का अनुभव कर लेते हैं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।